अभी आपने जदयू के सदस्यता ली, उसके बाद क्या क्या बात हुई आरसीपी से? बहुत सारे बात हुए, खुल के बात हुई, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिए और पार्टी के नेतृत्व हमें काम करने के लिए खुला मौका दे दिए। हमें एक्टिव प्रेसिडेंट का भी मौका मिला है, हमें निर्वाचन कमेटी का, सिलेक्शन कमेटी का भी चेयरमैन बनाने ऑफर दिए हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिए हैं। तो ये पार्टी जो देंगे वो हम करेंगे। हम तो पार्टी में काम करने के लिए है और हमारे जो साथी है वो भी काम करने के लिए है। तो हम लोग बंगाल में लड़ाई के लिए तैयार हैं। बंगाल का युवा, बंगाल का किसान, बंगाल का मजदूर सब एकजुट है, छात्र संगठन सब एकजुट है। हर पार्टी का तोड़ के जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के लिए तैयार है। अभी थोड़े दिन रुक जाइए, देखिएगा। दूसरा पार्टी बोलता है ना, इसको ले लेना, उसको ले लेना। हम लोग लेंगे असली कार्यकर्ता को, जो चुनाव लड़ाता है, लड़ते नहीं है। तो आप लोग भी तैयार होंगे और वो मीडिया में भी देखिएगा, खबर होगा, आप लोग के आशीर्वाद से खबर जरूर होगा कि बंगाल नया करके जनता दल यूनाइटेड को चाह रहा है। यानी बंगाल जब चाह रहा है तो भारत को भी चाहना पड़ेगा। बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, क्या आप लोग पीएम फेस बनाने के भी मांग उठा रहे हैं? ये तो पीएम फेस बनाने के क्या मौका होता है? नीतीश जी तो पीएम फेस ही हैं, और ऐसा आदर्श जिसको अभी का युवा मांग रहा है। हाँ, हम तो बोले हर संप्रदाय, हर जेनरेशन नीतीश जी को प्रधानमंत्री मांगते हैं। अभी देश ठीक करेंगे, देश का पार्टी ठीक करेंगे, हाँ, जो कौन कहाँ पर रहेंगे। लेकिन हमारा मांग है, मेरा खुद का मांग है, मेरा साथियों का मांग है कि अगर नीतीश जी कभी भी प्रधानमंत्री बने तो ये हमारे लिए भाग्य है, देश के भी अच्छा करने का मौका मिलेगा। आरसीपी सिंह जी ने आपको बंगाल में नेतृत्व करने की भी बात कही, वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बनाने की भी बात की, कैसा लग रहा है आपको? पहली बार आज आपने मेंबरशिप ली, उसके बाद भी ये सब बातें कही गई। मैं खुले मन से ईश्वर से दुआ मांगता हूँ कि उन्होंने ऐसे बात किए और केंद्र नेतृत्व ऐसे बात किए। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ भी नहीं होता तो फिर भी बबलू महतो एंड टीम बंगाल में लड़ाई करने के लिए तैयार है। हम पद के लिए पार्टी में ज्वाइन नहीं किए, हम अभी प्राइमरी मेंबरशिप है, काम होगा। अच्छा, लड़ाई भी हो। आप लोगों ने लंबी यात्रा करके यहाँ पे आए, ये जोश और जुनून कहाँ से मिल रहा था आप लोगों को जो इतने लंबी? बोलो ना, नीतीश जी का आदर्श। कोई अगर सुनिए, इंडियन कम्युनिज्म पार्टी, ये मेरा मानना है, अगर रूस और जर्मनी से आया हुआ मार्क्सवादी या लेनिनवादी, जो कम्युनिस्ट हम लोग मानते हैं, दुनिया से दूसरा देश से आया है, फॉरेन पार्टी, और हम मानते हैं, ये मेरा सोच है कि अगर भारतीय कम्युनिज्म पार्टी कुछ है तो वह है जनता दल यूनाइटेड। और ऐसा डेमोक्रेसी पार्टी आप कभी भी अब नहीं देख पाएंगे। कोई अपना परिवार तंत्र से चलता है, कोई भी अपने मरते दम तक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो आप तो देखिए है नजरिया, उस दिन पहले ही जो आज आरसीपी सिंह जी प्रेसिडेंट बन गए। ये जेडी हो सकता है, वो कोई दूसरा पार्टी नहीं कर पाएगा। कौन कौन से पार्टी आपके साथ आ रही है बंगाल चुनाव में? बंगाल चुनाव में कौन कौन पार्टी आ रही है अभी हम नहीं बोल पाएंगे। ये केंद्र नेतृत्व, राज्य नेतृत्व सोच के ही अभी भी डिसीजन नहीं लिए हैं। तो जो जनजाति आए हैं, ऐसा हम लोग और जनजाति वो लाएंगे, उनके पास बहुत जनजाति हैं, वो लाएंगे। अगर मतलब हमें अभी से आप लोगों ने पार्टियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। जरूर, और देखते हैं, हमको इतिहास है, जो आज पंचायत समिति है हमारे पास, आज जिला परिषद के मेंबर हमारे पास खड़ा हुए। हम यहाँ से जाएंगे, बंगाल के जेडीयू के लिए गर्व होना चाहिए, बंगाल जनता दल यूनाइटेड के लिए भी गर्व होना चाहिए और केंद्रीय जनता दल यूनाइटेड के लिए भी गर्व होना चाहिए कि बंगाल में हमने शासक दल का लड़ाकू नेतृत्व और चुने हुए नेतृत्व को हमने अपने साथ लाया। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।